शारंग जल विद्युत परियोजना का किराया सन 1925 में राजा जोगिंदर सेन कनल बेटी और पंजाब स्टेट के डेली गेस्ट के माध्यम हुआ था और सन 2024 में ये इकरार पूरा होना है, लेकिन 1925 में हुए एग्रीमेंट के अनुसार उन शर्तों को नहीं माना गया और शारंग जल विद्युत परियोजना की क्षमता को 40 से 60 और बाद में 110 मेगावाट कर दिया गया। ये बात हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने जोगिंदर नगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। भानन जल विद्युत परियोजना का इकरार सन 1925 में राजा जोगिंदर सेन कर्नल बैटी और पंजाब स्टेट के डेलीगेट्स के मध्य हुआ था और सन 2024 में ये इकरार पूरा होना है, लेकिन 1925 में हुए एग्रीमेंट के अनुसार शर्तों को नहीं माना गया और भानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता को 40 से 60 और बाद में 110 मेगावाट कर दिया गया। ये बात हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने जोगिंदर नगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि भानन जल विद्युत परियोजना के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार कुंभकर्णी की नींद क्यों सोई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मुद्दे को सदन में रखने की मांग की और सांसद रामस्वरूप शर्मा से इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की ताकि हिमाचल का हक हिमाचल को मिल सके। उन्होंने कहा कि भानन जल विद्युत परियोजना जिसका एग्रीमेंट सन 1925 में हुआ और 2024 में पूरा होना है और इस परियोजना के एग्रीमेंट के तहत 40 मेगावाट तक के हाइड्रो टर्बाइन लगने थे। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि एग्रीमेंट के तहत बिजली उत्पादन क्षमता के अनुसार 40 मेगावाट को टर्बाइन लगना था, बाद में उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया और उसके बाद 110 मेगावाट कर दिया गया और इससे एग्रीमेंट की शर्तों को पंजाब सरकार के द्वारा उन शर्तों को नहीं माना गया। मैं लक्ष्मेंद्र सिंह अध्यक्ष हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा। लगभग कई हिमाचल स्तर के पहलुओं को, प्रदेश स्तर के पहलुओं को हमने उठाया, मुद्दे उठाए, माननीय उच्च न्यायालय तक भी गए, दिल्ली तक भी गए और उन मुद्दों पर हमने जी जान से दिन रात मेहनत करके उपलब्धियां की है। चाहे वो हमारी उपलब्धि, चाहे वो ट्रेम्बल प्रमाइसिस में पशु बलि को प्रतिबंध था, या हमारे नेशनल हाईवे से ठेकों का पीछे जाना था, या हमारे और भी प्राकृतिक तौर पर जो एनजीटी में, माननीय एनजीटी में हमने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें हमने कामयाबी मिली है। अब उसी कड़ी में हमने आज जोड़ा है सानन जल विद्युत परियोजना जो सन 1921 से शुरू हुई और उसका एग्रीमेंट 1825 में हुआ, जिसका एग्रीमेंट 1924 में ख़त्म होना है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा 1825 में, उस एग्रीमेंट के तहत जो जितने भी हाइड्रो टर्बाइन लगने थे वो लगने थे 40 मेगावाट के। परियोजना शुरू हुई, राजा जोगिंदर सिंह सेन कर्नल बैटी और पंजाब स्टेट्स के डेलीगेट्स बैठे, हमारा जल परियोजना बनी। बिजली की जो जनरेशन, जहाँ जो बरोट में पुल का पानी बांध बना करके पाइप के द्वारा सनन में लाया गया, वो पानी उतनी मात्रा लानी थी जिससे कि सिर्फ 40 मेगावाट हमारी बिजली बनती। लेकिन उस वक्त उन्होंने देखा कि संभावनाएँ और भी ज़्यादा हैं। उन्होंने बरोट में जो पानी का हमारा रिजर्वर बनाया, जलाशय बना, उसका बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी हुई और उसके फोर्स से जो एग्रीमेंट के अंदर 40 मेगावाट का जो एक समझौता हुआ था, उसके बावजूद कर्नल बैटी और अन्य जो डेलीगेट्स थे और हमारा जोगिंदर सिंह सैन मंडी रियासत के राजा, उनके बीच में बैठक हुई और ये बैठक के बाद इसकी जो प्रति यूनिट बिजली बननी थी सानन में, इसकी जो मात्रा थी वो बढ़ाई गई, वो आ गई 60 मेगावाट तक।